डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आई सेंट यू इन द लास्ट क्लास ऑफ द लिटिल गर्ल. दिस इज द नेम ऑफ द लेसन. Let us see. The first question is, what is the story about? ये कहानी किसके बारे में है? First alternative is children, बच्चों के बारे में है. Fears of children means बच्चों के भयों के बारे में है. Childhood fears, बचपन के भयों के बारे में है. And D is A little girl and her feelings for her father. एक छोटी लड़की के बारे में है और उसकी भावना के बारे में है उसके पिता के प्रति. तो which is the correct? D is correct. Second alternative is why was Kezia is the name of little girl? Afraid of her father, वो अपने पिता से भयभीत क्यों थी? He used to speak rudely. वो रूडली उसके साथ बात करते थे. And always found faults in her. और हमेशा उसमें गलतियाँ प्राप्त करते थे. She thought, वो सोचती थी, that he was a hard-hearted man, कि वो एक कठोर हृदय के आदमी थे. Once एक बार he beat her, उसने उसके पिता ने उसे पीटा था. फॉर टियरिंग, फाड़ देने के लिए हर पेपर्स, उसके पेपर, हिज पेपर्स. हियर हिज इज करेक्ट बट नॉट हर. उसके पेपर्स माने पिता के पेपर्स फाड़ दिए थे, इस वजह से उसके पिता ने उसे पीट दिया था. एंड दीज ऑल मीन्स ऑल दीज थ्री आर करेक्ट. यस, here fourth is correct. D is correct. Now the third multiple choice, who is the author of दिस स्टोरी, इस कहानी के लेखक कौन है? फर्स्ट अल्टरनेटिव इज गिवन ए आर रहमान. बी इज कैथरीन मैंसफील्ड. सी इज सेसिल. एंड डी इज थॉमसन. यू नो बेटर अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन आर दिस स्टोरी, हु इज कैथरीन मैंसफील्ड. बी इज करेक्ट. द फोर्थ अल्टरनेटिव इज The fourth alternative is, why does grandmother ask the little girl
टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर। Why does grandmother means दादी जी क्यों कहती हैं छोटी बच्ची से to make बनाने के लिए a present means एक उपहार for her father अपने पिता के लिए एक उपहार बनाने के लिए वो क्यों कहती हैं। First alternative is his birthday was as birthday was approaching next week second alternative is B is he was going on a tour. She is his anniversary was coming. And last D is he was going to retire. These are four alternatives of this question. First is his birth, माने उसके पिता का birthday, was approaching means was coming next week, अगले सप्ताह आ रहा था. Second is he was going on a tour, वो एक tour पर जा रहा था. His anniversary was coming, उसकी anniversary आ रही थी. He was going to retire, वो retire होने जा रहा था. तो which is the correct? A is correct. His birthday was approaching means coming next week. The fifth alternative is name the pupil in Kezia's family. First alternative is father, second B is mother, C is grandmother and D is R. केजिया के परिवार में जो लोग थे वो कौन कौन थे. हियर नेम मीन्स हाउ मैनी पीपल इन केजियाज फैमिली. फादर मदर ग्रांड मदर एंड ऑल. द राइट आंसर इज ऑल मीन्स इन हर फैमिली
हर फादर वाज, हर मदर वाज एंड ग्रांड मदर वाज। द सिक्स्थ अल्टरनेटिव इज व्हाट डिड केजिया'स फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। केजिया के जो फादर थे वो क्या करते थे ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले वो क्या करते थे? तो फर्स्ट अल्टरनेटिव इज वेंट टू टेंपल, मंदिर जाते थे। सेकेंड इज टस्ट हिज मदर्स फीट, अपने माँ के पैर छूते थे। सी टुक वॉक, टहलते थे। डी इज ही यूज्ड टू किस, केजिया बिफोर going to office, ऑफिस जाने से पहले केजिया को किस करते थे। तो विच इज द करेक्ट आंसर? एज यू नो ऑल अबाउट दिस स्टोरी, ही यूज टू किस केजिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस। नाउ सेवेंथ इज व्हाट वॉज केजिया'स फादर्स रूटीन, केजिया'स फादर्स रूटीन after coming back from his office। केजिया के फादर का रूटीन क्या था, क्रम क्या था ऑफिस से लौटने के बाद? फर्स्ट अल्टरनेटिव इज ए ही वुड गो फॉर बाथ, ही वुड गो फॉर बाथ। बी इज He would take his meal. He would take his meal. Says he used to take tea. He used to
take tea and liked to read newspaper. Days none means none of these. तो ऑफिस से वापस आने के बाद केजिया के फादर का रूटीन क्या था? तो फर्स्ट इज ही वुड गो फॉर बाथ, वो नहाने के लिए जाया करते थे. ही वुड टेक हिज मील, वो अपना खाना खाया करते थे. ही यूज्ड टू टेक टी, वो चाय पिया करते थे. एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, और समाचार पत्र पढ़ना पसंद किया करते थे. नन इनमें से कोई नहीं. तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? सी इज करेक्ट आंसर. वो चाय पिया करते थे और समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते थे. नाउ द अल्टरनेटिव, What did Kezia's father do on Sundays? रविवार के दिनों में केजिया के फादर क्या करते थे? ए, ही यूज्ड टू हैव साउंड स्लीप. ही यूज्ड टू हैव साउंड स्लीप. To take rest, B. He went for movies. C. He used to visit his friends. And fourth is gossip. संडे के दिन वो मीन्स किस तरीके से वो संडे को स्पेंड करते थे? पहला है ही यूज टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए वो साउंड स्लीप करते थे, गहरी नींद में सोते थे. इट इज द करेक्ट आंसर. नाइन्थ, How did Kezia's grandmother help her to have
अ बेटर रिलेशन विद हर फादर. फर्स्ट अल्टरनेटिव इज by asking her to prepare food for him. B alternative is by sending her to talk to him in his room, sees by asking her to complete her home work and D is all. Which is the correct answer? B is the correct answer. By sending her, उसको भेज कर to talk to him, उससे बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए, और कहाँ? In his room, उसके कमरे में. Tenth is, what did Kezia's mother ask her to make केजिया की मदर ने उससे क्या करने के लिए कहा? फर्स्ट चपाती, बीज, स्नैक्स, sees a gift of pin cushion and these none. What is the correct answer? C is the correct answer. Means her mother, means Kezia's mother asked her to make a gift of pincushion.
The answer of the rest of the alternatives I am sending along with this video, means along with this present video. I hope that you would understand well these 10 alternatives of this lesson or this given lesson. What is the lesson? The little girl. Thank you very much.